हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सी स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिज़ाइन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर डिज़ाइन है। ये 4 रो के मल्टीपल फंदों से डिज़ाइन बनाई जाती है। और किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये डिज़ाइन हमेशा बैक साइड से शुरू होती है। मैं अब डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इसमें 4 के मल्टीपल फंदे और 2 फंदे एज स्टिच लिए हुए हैं। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ किस तरीके से मैंने डिज़ाइन को बनाया गया है। पहला फंदा एज स्टिच निकालने के बाद धागा आगे करूँगी, पूरी रो उल्टी उल्टी बिन लूँगी इस तरीके से। पहली रो फ्रंट साइड से पूरी इस तरीके से उल्टी उल्टी बिन लूँगी। देखिए फ्रेंड, पूरी रो मैंने उल्टी उल्टी बिन ली है। अब बैक साइड से मेरी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। बैक साइड से मुझे पहले इस तरीके से एक फंदा एज स्टिच निकाल लेना है। उसके बाद धागा आगे करना है इन 3 फंदों को, 1, 2, 3। इन 3 फंदों का एक करना है इस तरीके से। इन 3 फंदों का एक कर दिया। अब धागा पीछे करूँगी। देखिए, एक फंदे में 1 धागा आगे, 2 फिर धागा पीछे, 3। इस तो एक फंदे में 3 टाइम डालूँगी इस तरीके से। एक फंदे में 3 फंदे बढ़ाऊँगी और 3 फंदे का एक करूँगी इस तरीके से। 4 फंदे हो गए मेरी, एक पैटर्न डल गई। इसके बाद सेकंड पैटर्न, इस जो मैंने ये 4 फंदों में किया है उसी को मैं रिपीट करते हुए जाऊँगी आगे को। देखिए, 3 फंदों का एक किया, फिर धागा पीछे किया 1, फिर धागा आगे किया 2, फिर धागा पीछे किया 3। ये देखिए, ये 3 फंदे बन गए। इसी तरीके से हर 4 रो में ये डिजाइन बनेगी, वही हमें रिपीट करते हुए जाना है। देखिए, 3 फंदों का एक किया, फिर धागा पीछे किया 1, 2, 3, फिर 1 फंदे में 3 फंदे बढ़ाए। पूरी रो में इसी तरीके से ये रिपीट होते हुए जाएगा। लास्ट में हमारा सेकंड रो में हमारा लास्ट में यहाँ पे पर्ल होना चाहिए इस तरीके से। लास्ट फंदे में हमारे 3 फंदों का एक फंदे का 3 होना चाहिए और 1 एज स्टिच। इस तरीके से पूरी रो को निकाल ली हमने सेकंड रो। अब थर्ड रो फ्रंट साइड से पूरी उल्टी उल्टी निकाल लूँगी। इसमें हमारे कोई डिजाइन नहीं है, हमें फ्रंट साइड से हमेशा उल्टी उल्टी ही बिननी है। बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। देखिए देखिए, हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम 4 रो फ्रंट साइड से आ गए हैं, 4 रो बैक साइड से। अभी हमने एक फंदा एडजस्टिंग निकालने के बाद फंदा बढ़ाया था, पर अभी हम तीन फंदों का एक किया था। अभी हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। धागा पीछे रखूँगी फर्स्ट में, यहाँ पे अभी फंदा बढ़ेगा। देखें, ये 3 हो गए। यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ा है, तो लास्ट में हमारा फंदा, लास्ट फंदा जो होगा हमारा वो 3 फंदों का एक होगा। जैसे कि सेकंड रो में हमने 1 का 3 किया था लास्ट में, अभी हमने फर्स्ट में 1 का 3 किया है, तो यहाँ लास्ट में आप 3 का 1 होगा। इस तरीके से डिजाइन है। ये देखिए, 1
पहले हमने तीन का एक किया, अब फिर तीन फंदों, पहले एक फंदे में तीन फंदे बढ़ाए, फिर तीन फंदों का एक किया, अब फिर वही इस तरीके से एक फंदे में तीन फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, फिर 1 2 3 तीन फंदों का एक करेंगे, फिर रिपीट 1 2 3 फिर एक फंदे, ये 4 रो हमारी फ्रंट बैक साइड से, ये देखिए। अब लास्ट में हमने जब सेकंड रो बनी थी उस समय हमारे यहाँ पे फंदे को एक फंदे में तीन फंदे बढ़ाए थे, अभी हमारे तीन फंदे का एक होगा 4 रो में, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देखिए बैक साइड से इस तरीके से निकाल लिए, आप फ्रंट साइड से कोई डिजाइन नहीं करेंगे, हम पूरी रो उल्टी उल्टी बिनेंगे। फाइव प्रो फ्रंट साइड से, ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लगती है, एक बार आप ज़रूर अप्लाई करें। अब इसमें जो हमने बैक साइड से जो हमने सेकंड रो में बिना था उसी को हम यहाँ पे बिनेंगे। अब हम यहाँ पे 6 रो में तीन फंदों का एक करेंगे और फिर एक फंदे का तीन करेंगे, इस तरीके से रिपीट होते हुए जाएगा। जो हमने सेकंड रो में किया था उसको अभी हम 6 रो में करेंगे, इस तरीके से ये डिज़ाइन मेरी बन के आएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर डिज़ाइन लगती है। लास्ट में मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।